This is what we are saying is the pair of kidney. Normally in the right side, it is somewhat at the lower level. It extends from T12 to L3. It lies in the paravertebral gutter. We can easily see it. And the transverse axis, that's why run posterolaterally, is transverse axis. And its upper pole is to us medially. This is lateral, and upper pole is here, okay, where my finger is going. That's why its anterolateral axis is going, its longitudinal axis is going anterolaterally. Okay, this is inferior vena cava and this is abdominal aorta. Okay, and the structure in the ये बहुत एकदम तुम लोग छू लेना फिर देखो कितना अच्छा से है फिर इजीली कंप्रेसिबल होता है और ये थोड़ा सा हाँ इलास्टिक इन नेचर होगा ये इजीली कंप्रेसिबल हो गया तो यहाँ से ये जो जा रहा है देखो ये कंटिन्यूअस है ना ये रीनल वेन हो गया ये रीनल वेन हो गया उसके ठीक नीचे रीनल आर्टरी हो गया ये हो गया ये रीनल पेल्विस यहाँ तक पेल्विस हुआ एंड आफ्टर दैट दिस इज यूरेटर ये यूरेटर है ठीक है तो स्ट्रक्चर इन द हाइलम फ्रॉम ये तो एनाटॉमिकल पोजीशन नहीं ना एंटीरियर टू पोस्टीरियर है भैप दैट इज रीनल वेन देन देयर इज रीनल आर्टरी अब आर्टरी ही देख लो ये वेन हो गया एक है अब आर्टरी यहाँ पे बहुत सारा बट गया पांच बट गया है सेगमेंटल आर्टरी है देख रहे हो ना यहाँ पे एक ही नहीं है एक रहता है ना उसके ठीक नीचे रहता है यहाँ पे एक इधर जा रहा है एक ऊपर जा रहा है इसका जितना रीनल सेगमेंट होता है ना उसी हिसाब से होता है तो रीनल सेगमेंट होता है एपिकल होता है एकदम एपेक्स में एक इन्फीरियर होता है एक फिर बीच में जो हो गया वो एंटीरियर हो गया तो वो बट गया फिर एंटेरो सुपीरियर एंटेरो इन्फीरियर और एक होता है पोस्टीरियर फाइव रीनल सेगमेंट होता है ये सभी पूछा जाता है तो इसलिए फाइव सेगमेंटल आर्टरी होता है और ये यूरेटर हो गया तो कवरिंग तो इसमें यही रीनल कैप्सूल हो गया है अब उधर काटा हुआ है तो उसमें दिखा देंगे ठीक है नाउ दिस यूरेटर इज 25 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर इट हैज गॉट थ्री पार्ट दैट इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट दिस इज एब्डोमिनल पार्ट रीनल यूरेटर स्टार्ट्स फ्रॉम द लोअर पोल ऑफ द किडनी Above that, it is renal pelvis. From here, it is ureter, and here is the pelvic brim. Pelvic brim, देखिए वो hip bone में और उसके बाद जो heart shape के बीच में रहता है, that is pelvic brim. तो वहाँ तक जो हो गया, this is abdominal part. After pelvic brim, before entering into this is urinary bladder. ये urinary bladder है, सबसे आगे में यहाँ. तो इसमें जो घुस रहा है इसमें कंफ्यूज नहीं करना है क्योंकि मेल है ना तो नहीं कंफ्यूजन हो सकता है उसमें इसको ध्यान देना है उस समय नहीं कि हाँ ये दिस इज ये दिस वो करके अपने से बना लिए पहले ये सब चीज अपने से देख लेना तो ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया ये यूरेटर हो गया तो फ्रॉम पेल्विक ब्रिम अप टू द वॉल ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर वहां तक हो गया पेल्विक पार्ट एंड व्हाइल इट इज ट्रैवर्सिंग थ्रू द वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इट इज इंट्रामुरल पार्ट ठीक है तीन पार्ट हो गया समझ में आ गया एंड वेरी इंपॉर्टेंट द कंस्ट्रिक्शन ऑफ यूरेटर बिकॉज इट इज द साइट ऑफ कॉमन साइट ऑफ द लॉजिंग ऑफ रीनल स्टोन यूरेट्रिक स्टोन तो कहाँ कहाँ पे होता है कंस्ट्रिक्शन तो यहाँ तक पेल्विस है लोअर पोल तक तो पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन दिस वन इज पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन फर्स्ट कंस्ट्रिक्शन वहाँ हो गया सेकेंड वेयर इट क्रॉसेस पेल्विक ब्रीम वहाँ पे एंड थर्ड वेयर इट इंटर्स इन साइड द यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे वो इंटर कर रहा है वहाँ पे थर्ड कंस्ट्रिक्शन हो गया तो पेल्विक ब्रीम यहाँ पे जो क्रॉस कर रहा है यूरेटर दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखो ये जो फासा है ना इसी में यहाँ पे ओवेरियन देखो एब्डोमिनल एओर्टा में लैटरल में
मिडिल सुप्रा रीनल है, रीनल है और गोनाडल आर्टरी है ना, लैटरल ब्रांचेज है। तो ये गोनाडल तो टेस्टिकुलर हो गया, उसमें ओवेरियन हो गया। तो फीमेल में मेनली यहाँ पे फीमेल में ओवेरियन आर्टरी का रिलेशन हो गया, वैसे गोनाडल आर्टरी का हो गया। तो ऊफ्रेक्टोमी बहुत कॉमन है, ऊफ्रेक्टोमी ओवरी हटाया जाना है। तो उस रिलेशन को याद रखना होता है कि पेल्विक रिम में कॉमन इलियाक आर्टरी एज वेल एज ओवेरियन आर्टरी, यहाँ पे ये इधर से आ रहा है, इधर देखो ना, यहाँ पे क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को, देख रहे हो, यहाँ पे ये ओवेरियन आर्टरी है, मैंने गोनाडल आर्टरी है, जब फीमेल होगी तो ओवेरियन आर्टरी, वैसे गोनाडल आर्टरी है। यहाँ पे उतना इसका सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें उफ्रेक्टोमी बहुत कॉमन होता है, इसलिए वो जाना जरूरी है। तो यूरेटर यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, देखो ये यहाँ से क्रॉस हो रहा है, इसमें भी क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे पेल्विक ब्रिम में तो वाइल डूइंग उफ्रेक्टोमी सर्जन मे लाइगेट यूरेटर है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर बहुत नीचे जाने पे इस्टियल स्पाइन है, हिप बोन में देखे होगी इस्टियल स्पाइन, उससे 2.5 सेंटीमीटर एबव वहाँ पे मेल में भास डिफरेंस और फीमेल में यूट्राइन आर्टरी का रिलेशन है, यूरेटर जा रहा है और उसके ऊपर में यहाँ पे यूट्राइन आर्टरी और मेल में एंटीरियर में है भास डिफरेंस। तो वैसेक्टोमी भी होता है, बहुत कॉमन है, और हिस्टेक्टोमी भी होता है, वो भी कॉमन है। तो हिस्टेक्टोमी करते समय यूट्राइन आर्टरी के बदले ब्लड सप्लाई पहले रोकना होता है, नहीं तो लीकेज हो जाएगा ना, तो यूट्राइन आर्टरी लाइगेट करने के बदले सर्जन यूरेटर को क्लैंप कर देते हैं, है? और इसमें वैसेक्टोमी करने समय तो वो वास डिफरेंस उसमें क्लैंप करना होता है, तो उसके बदले यूरेटर हो सकता है। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर एबव द इस्टियल स्पाइन, वेयर इन मेल इट इज क्रॉस बाई वास डिफरेंस यूरेटर एंड इन फीमेल इट इज क्रॉस बाई यूट्राइन आर्टरी, एंड यूट्राइन आर्टरी इज एबव, दैट्स वाई द नेमोनिक कम वाटर अंडर द ब्रिज। पूछा जाएगा वाटर अंडर द ब्रिज इसका क्या मतलब है, समझाओ। तो ब्रिज इज यूट्राइन आर्टरी एंड वाटर इज द यूरिन फ्लोइंग इन द यूरेटर, वो ऊपर है ये नीचे है, कन्फ्यूज नहीं करना है कि यूरेटर ऊपर है, वहाँ पे फिर ऐसे फील करोगे ना तो फिर वो ऊपर वाला जो है वो यूट्राइन आर्टरी है और नीचे वाला यूरेटर है, इसमें भास डिफरेंस आगे में है, एंटीरियर है, एबव नहीं है, एंटीरियर। तो उस तरह से रिलेशन जानना होता है उस जगह पे। अब यही देखो कि देखो रिकम्बेंट पोजीशन बहुत दिन से जो लेटा हुआ है, ये पोजीशन का देखो क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, पैरावर्टिब्रल गटर में है, तो यहाँ पे यूरिन जमा होते होते यहाँ पे स्टैगहॉर्न कैलकुलस हो जाता है जो कि रीनल साइनस का ही शेप का होता है। तो ये रिकम्बेंट पोजीशन में बहुत जो रहता है और यूरिन अच्छे से पास नहीं हो रहा है, यूरिन जमा होते होते यहाँ पे स्टैगहॉर्न कैलकुलस हो जाता है, तो ये एक इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अब देखते हैं हम लोग रिलेशन देख लेते हैं, तो हम लोग जान रहे हैं कि अपर पोल जो है थोड़ा मीडियली गया हुआ है, है? तो यहाँ पे है, ये है सुप्रा रीनल ग्लैंड जहाँ पे हम वो कर रहे हैं ना, ये है जो अटैच है यहाँ, देखो ना ये, हाँ, ये सुप्रा रीनल एक सीध के अंदर है, जो बताया है ना कि एंटीरियर फासा पॉजिटिव फासा, तो ये है सुप्रा रीनल ग्लैंड। अब उसके ऊपर यहाँ पे ये देखो हेपाटिक इम्प्रेशन पड़ रहा है ना, इसके ऊपर है हेपाटिक इम्प्रेशन। अभी देखो यहाँ पे ड्यूओडेनम, ये ड्यूओडेनम है, ये देखो ये स्टमक है ना, ये स्टमक है, अब स्टमक के बाद यहाँ पे ये ड्यूओडेनम है, तो ये यहाँ पड़ रहा है, तो ड्यूओडेनल इम्प्रेशन हो गया। अब ये सब है यहाँ थोड़ा अंदर की तरफ है, ये जेजुनल इम्प्रेशन हो गया, और ये बाहर की तरफ है, ये कोलोनिक इम्प्रेशन हो गया, देख रहे हो। अब उसी तरह यहाँ पे लेफ्ट किडनी में आ जाते हैं, तो यहाँ मीडियली ये पे है, यहाँ इसका बहुत इनलार्ज है, बहुत ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सेमी लूनर, सबसे ऊपर में सेमी लूनर सुप्रारीनल ग्लैंड हो गया, फिर उसके उस तरफ ऊपर में ही लेकिन लैटरली यहाँ पे स्प्लेनिक हो गया, फिर ये यहाँ पे, हाँ ये पैनक्रियाज है, तो यहाँ पैनक्रियाटिक हो गया, स्टमक यहाँ पे छोटा हो सिकुड़ गया है, तो यहाँ पे फिर स्टमक का आ जाएगा, स्टमक का आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये इसके ऊपर है और यहाँ पे स्प्लेनिक आर्टरी रन कर रहा है,
सुपीरियर बॉर्डर, ठीक है ना, ये एंटीरियर बॉर्डर है, ये चोंच की तरफ बोले थे ना कि ये एंटीरियर बॉर्डर, यहाँ पे ये सुपीरियर बॉर्डर, ये देख रहे हो टॉर्चस टॉर्चस, ये जो देख रहे हैं ऐसे, ये स्प्लीनिक आर्टरी है, ये जो हम छुए हैं स्प्लीनिक आर्टरी है, तो वो स्प्लीनिक आर्टरी और पैनक्रियाज ऐसे इंप्रेशन पड़ गया, उसके नीचे पड़ गया स्टमक का, अभी ये बहुत छोटा हो गया है, नहीं तो यहाँ तक आ रहा है, हाँ, और फिर हाँ सिकुड़ गया है, और फिर यहाँ जेजुनल हो गया, इधर कॉलोनिक हो गया, हैं, स्मॉल इज प्रोटेक्टेड बाय लार्ज, तो रिलेशन क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये बंद कर दो। हियर व्हाट वी आर सीइंग, अपर पार्ट ऑफ द यूरेटर इज सप्लाइड बाय द ब्रांचेस कमिंग फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा एंड लोअर पार्ट ऑफ द यूरेटर इज सप्लाइड बाय द कॉमन इलियाक आर्टरी, है होगा ही क्योंकि यहाँ पे बट गया है ना नीचे पेल्विक पार्ट जो है, तो सर्जन शुड नॉट स्ट्रेच या शुड नॉट मूव यूरेटर लैटरली इन द एब्डोमिनल पार्ट एंड शुड नॉट मूव यूरेटर मीडियली इन द पेल्विक पार्ट सो दैट नॉट टू इंजर द न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर में साइड में नहीं ले जाना है यूरेटर को बहुत ज़्यादा ऑपरेशन करते समय, और पेल्विक पार्ट में मीडियली नहीं ले जाना है,